नमस्कार, मैं प्रसन्नजीत, इंटेंसिव एक्वाकल्चर पाइवेल लिमिटेड यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में सबको स्वागत करता हूँ। आज का टॉप जो वीडियो आपके सामने दिखाई दे रहा है, आपको तो मालूम है हमारा सारा वीडियो 4 महीना पीछे चल रहा है, नहीं तो 3 महीना पीछे चल रहा है। तो आज का जो टॉपिक है, जो भी नया आपका कोई भी फिश हार्वेस्ट करेगा, अगर तारपोलिन टैंक बना के हार्वेस्ट करना है, फिश को मार्केट में लेके जाना है, तो कैसे आपको तारपोलिन सेट करना है। पहले आपको गाड़ी का नीचे स्ट्रॉ बिछा देना है, उसका ऊपर आप एक नॉर्मल तारपोलिन डाल दीजिए, उसका ऊपर आप एक नॉर्मल अच्छे से तारपोलिन को सेट करना है। ये जो स्ट्रॉ को आपको दिखाई दे रहा है, ये अच्छे से आपको बंडल बनाना है और चारों साइड लगाना है, नहीं तो आपका तारपोलिन आपका लीक हो सकता है और डैमेज हो सकता है, ज़्यादा दिन आपका तारपोलिन नहीं चलेगा। आप वीडियो अच्छे से देखिए, तो धीरे धीरे उस स्ट्रॉक को आपको बंडल बना रहा है और इसी तरह आपको बांधना है, ऐसा इसी तरह बांधना है। क्योंकि देखिए, मैं ये वीडियो इसीलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही फिश कल्चर बहुत ज़्यादा हो रहा है और मछली ट्रांसपोर्टिंग में सबका तारपोलिन बहुत जल्दी ख़राब हो रहा है। तो इसीलिए देखिए, आपको पहले नीचे स्ट्रॉ दे देना है, उसके बाद ऐसे लाइन करके आपको बांध के पूरा आपका गाड़ी का चारों साइड लगाना है और नीचे एकदम स्ट्रॉ बिछा देना है, बहुत अच्छे से बिछा देना है, एकदम गद्दी जैसा बना देना है, ठीक है। उसका बाद क्या करना है, उसका बाद आपको नया जो तारपोलिन है, एक तारपोलिन आप नीचे डाल दीजिए, वो आप खराब तारपोलिन भी डाल सकते हो एकदम नीचे वाला पोर्शन में, उसका ऊपर आप तारपोलिन को अच्छे से फोल्ड करके आपका जो गाड़ी है उसमें अच्छे से बांधना है, जैसे आपने बायोफ्लॉक टैंक में रस्सी से खींच के बांधते हो, ऐसे ही आपको धीरे धीरे बांधना है। उसका बाद रस्सी से ऐसे टाइट करना है, नहीं तो गाड़ी जब चलेगा तो पानी हिलेगा तो गाड़ी चलाने में बहुत तकलीफ आया, ठीक है। और ये आपका देसी मागुर हार्वेस्ट का वीडियो आपको मालूम है, मैं 2 दिन पहले एक वीडियो दिया था जो मार्केट में आपका देसी मागुर जाके सेल हो रहा था। तो ये आपका RS प्लांट का है और ये आपका रायपुर बासना का है। तो आपको कभी भी अगर मछली मार्केट में भेजना है तो पहले तो आपका जो मेन काम है उसको फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करके पर 1000 लीटर में 5 ml पर 1000 लीटर में 5 ml प्रोवो केयर आपको डालना है और फीडिंग बंद कर देना है। प्रोवो केयर डालने से उसका इम्यूनिटी पावर ज़्यादा हो जाता है और उसका पेट के अंदर जो भी खाना रहता है वो पूरा निकल जाता है। खाना जितना नहीं रहेगा पेट में उतना अच्छा आपका मछली जाएगा। उसका साथ साथ अगर आपको 600 किलोमीटर भेजना है, 700 किलोमीटर भेजना है, 800 किलोमीटर भेजना है, क्योंकि ये मछली 800 किलोमीटर डिस्टेंस से आया था, तो उसमें आपको 2-3 बार वाटर एक्सचेंज करने का ज़रूरत पड़ता है। और उसमें खाना क्या देना पड़ता है, उसमें देखिए कुछ भी खाना नहीं देना है, क्योंकि खाना देने से आपका वाटर खराब हो जाएगा और उसका साथ साथ आपका पानी भी खराब हो जाने से आपका मछली में भी इफेक्ट आ जाएगा। देखिए, कोई भी हाई वैल्यू जो फिश होता है ना, उसको आपको अच्छे से उसको भेजना है, अगर उसमें दाग आ जाएगा तो मार्केट में सेल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इसमें जो आपको ब्रीडिंग फार्म टैंक दिखाई दिया, उसमें भी मैं बता दूँ, सिंगी का ब्रीडिंग बहुत अच्छे से हुआ, आज का डेट में 500 लाइन का सिंगी हो चुका है, उसका भी वीडियो आएगा। बहुत अच्छे से ब्रीडिंग का बच्चा हुआ था, 300 लाइन का भी कुछ कुछ बच्चा आ चुका है, इससे पहले 3000 लाइन का भी हमने बहुत सारा बच्चा का अपडेट वीडियो उठाया, वो भी अपडेट आपका पास आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप कभी भी हार्वेस्ट कीजिए, इतना याद रखिए, डायरेक्ट आपको जिस टैंक में बड़ा हुआ वहाँ से भेजना नहीं है, आपको मिनिमम 2 डेज आपको फ्रेश वाटर में रखना है, जहाँ पे खाना नहीं डालना है। पहला दिन प्रोवो केयर, प्रोवो केयर का डोज मैंने बता दिया। सेकेंड डे प्रोवो क्योर डालना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोवो क्योर का डोज क्या रहेगा, प्रोवो क्योर का डोज रहेगा 5000 लीटर में ओनली 1 gram, 5000 लीटर में ओनली 1 gram। तो उसमें क्या होता है, मछली अगर पकड़ने का टाइम जो भी आपका घाव हो जाता है, सब कुछ वो ठीक हो जाएगा। तो और जब आपका टैंक में, मतलब आपका गाड़ी का टैंक में जो मछली जाएगा, उसमें भी आप प्रोवो केयर, जितना बार वाटर एक्सचेंज होगा उतना बार 5000 लीटर में 5 ml हिसाब से दे दीजिए,
तो बहुत अच्छा जाएगा। देखिए ये सारे मछली सिंगी मागूर ये जो मछली होता है ना ये आपका जिंदा मार्केट में भेजना पड़ता है, और जिंदा नहीं कम से कम 7 दिन जिंदा वहां पे भी रखना चाहिए, क्योंकि जो भी लेके जाएगा वहां से उसको भी जिंदा सेल करना है, क्योंकि ये मछली अगर मर जाता है तो सेल नहीं होता है। बात आता है अगर 10 kg, 20 kg, 50 kg, 100 kg तो कोई इशू नहीं है, वो ऐसे ही सेल हो जाएगा, पर 1000 kg, 1200 kg, 1500 kg अगर होता है तो आपको बहुत केयर करने का जरूरत है। तो जो भी फ्रेंड्स बाय फ्लॉक के बारे में सोच रहे हो, सेमी बाय फ्लॉक, ऑर्नामेंटल, आरिस प्लांट, पेज कल्चर के बारे में सोच रहे हो, तो आप हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, उसी नंबर पे संपर्क करें और आपका कल्चर में पूरा सपोर्ट हमारा कंपनी का तरफ से रहेगा। आज तक भी पहले भी हमारा कोई भी चार्जेस नहीं था, आज भी कोई चार्जेस नहीं है, सिंपली आपको आपका नाम रजिस्ट्रेशन करना है और आपका कैंक का साइज, आपका पॉइंट का साइज बताना है और आपको यहाँ से बता देगा कल से आपको कल्चर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, आज यहाँ तक, थैंक यू।